हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो फूड वेंचर फोक्स और अभी मैं हूँ गोवा में। और ये जो आप पीछे देख रहे हो बोर्ड, ये है ब्लू मून क्लासिक। इस तरफ ये एक सी फूड रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और हर तरह के सी फूड के वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको एक बार लोकेशन बता देती हूँ ये कहाँ पर एग्जैक्टली। तो ये रेस्टोरेंट के राइट तरफ ये जो आप रोड देख रहे हो, ये है वेरला कानका रोड और ये मापुसा में है, मापुसा गोवा में। आप जब यहाँ पे आओगे ना तो ये ब्यूटीफुल सा सीनरी आपको देखने मिलेगा। देयर आर लार्ज फील्ड्स, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, पार्किंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, फोर व्हीलर की पार्किंग यहाँ पर है। तो ये जो है फोर व्हीलर और टू व्हीलर्स का पार्किंग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये फ्री पार्किंग है तो टू व्हीलर जो है यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ ये फोर व्हीलर का पार्किंग है। ओके अच्छा है, पूरा इतना जगह। ओके वो बॉर्डर जो दिख रहा है वहाँ पे, ओके काफ़ी जगह है वहाँ पे पार्किंग। अच्छा हाँ, ये पूरा हमारा पार्किंग। अच्छा ये पूरा इतनी, अच्छा पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है और आप लोग कोई चार्जेस भी नहीं लेते हो? ओके ठीक है, थैंक यू। और ये है ब्लू मून क्लासिक किचन एंड बार। इस रेस्टोरेंट का एंट्रेंस यहाँ से है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं सी फूड के कौन से वैरायटीज अवेलेबल हैं। और ये एंट्रेंस में कुछ फ्रेश फिशेस के चॉइसेस है, किंगफिश, प्रॉन्स, जॉनक, पॉम्फ्रेट, लेपो वगैरह वगैरह। And their rates are as per the availability of the fish. तो ये अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर की तरफ भी सीटिंग अरेंजमेंट है लेकिन वो शायद नॉन एसी है। एसी का सेक्शन ये सामने वाला है। और इनका सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है, सामने एक टीवी लगा हुआ है। ये रोड के जिस साइड में है तो यहाँ पे अगर आपको सीट मिलती है तो आराम से आप रोड पे आते जाते देख सकते हो, आउटसाइड का व्यू एंजॉय कर सकते हो। अंदर किचन का एरिया है। हेलो, तो आप मैनेजर हो यहाँ पे? ओके सो ये ब्लू मून क्लासिक के मैनेजर है, आपका नाम? संजय। ओके संजय जी, जरा मुझे बताएंगे ये रेस्टोरेंट कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ है मैं मार्च 2023 में। ओके ओके ऑल राइट। और मैंने सुना है कि ये सी फूड के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट है। ओके चाइनीज, इंडियन, तंदूर, ओके। व्हाट डू पीपल प्रिफर, व्हाट डू दे एंजॉय व्हेन दे कम हियर? उनको क्या अच्छा लगता है, क्या ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर? स्पेशली गेस्ट। हाँ मतलब जो भी कस्टमर्स आते हैं क्या एंजॉय करते हैं? एंजॉय करते हैं मैम फिश। ओके एंड चाइनीज। फिश में कौन सी आइटम्स, चौनक वगैरह? जो लोकल गोवन डिश। ओके एंड गोवन करी। ओके सो गोवन करी के लिए भी ये स्पेशल? ओके ओके एंड फिशेज में भी काफ़ी वराइटीज़ है, तो ये चौनक वगैरह वो लोकल फिश हो गए ना, मोटसो और वो सब सर्व करते हो आप लोग? तवा फ्राई है वो रवा लगा? ओके ओके रिचाडो मसाला में भी? ओके ओके। और क्या टाइमिंग्स है यहाँ पे? ओके इट्स ओपन ऑल डेज? ओके ऑल राइट। सो लेट्स सी के यहाँ पे देखती हूँ मैं अभी क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। तो आपको इनका मेनू कार्ड दिखा देती हूँ, ब्लू मून क्लासिक का विच इज स्पेशलाइज्ड इन सी फूड। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो।
इनके सारे प्राइजेस। Indian, non-veg, accompaniment, Indian breads, oven fish curries, dessert, thali ke options, kafriyal, jo Goan ki speciality hai, mutton, tandoori, aur ye hai bar menu. शेफ आप क्या बना रहे हो आज? चिकन थाई पाई बना रहा हूँ। चिकन थाई पाई, और आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। कितने साल से हो आप यहाँ पे? इधर से 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया, ओके ठीक है। थाई पाई चिकन चाइनीज, ओके। हम ऑयल फ्राई में डाल रहे हैं। ओके, कौन सा कोटिंग है ये? हमारा व्हाइट बैटर। मैदा का है? मैदा, कॉर्नफ्लावर। अच्छा,
यम्मी सा चिकन हाई फाई रेडी है। भूख नहीं लग रही है तो भी लग जाएगी, इतना यम्मी दिख रहा है ये। स्प्रिंग अनियंस ना चॉप। ओके थैंक यू सो मच। ओके और दूसरा डिश कौन सा है? अभी आपको मिलेगा मैम तंदूरी प्रॉन्स। तंदूरी प्रॉन्स ओके ठीक है, तो तंदूरी प्रॉन्स का प्रिपरेशन जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये किंग साइज प्रॉन्स है। तो सबसे पहले नींबू। नींबू डाल। ओके मसाला भी डालते हैं। अच्छा कसूरी मेथी है क्या? अच्छा सेसमी ऑयल है। अच्छा ओके, इसको मिक्स करके मैरिनेट करना पड़ता है। कितना टाइम के लिए? 5-10 मिनट। ओके ठीक है। अच्छा अभी क्या मिक्स किया? तंदूरी मसाला। और उसमें मसाले में क्या क्या है? सब ये मसाला। ये जब उसमें जिंजर गार्लिक भी आता है। हाँ। पेस्ट भी डालते हैं। अच्छा तो अभी ये सीधा तंदूर में जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स आपने मैरिनेशन का प्रोसेस देख लिया, आप देखते हैं ये तंदूरी कैसे बनाते हैं। तंदूर में हम इसे बनाएंगे तो इसका प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। ओके तो 15-20 मिनट हो गए हैं और ये तंदूरी प्रॉन्स अभी तंदूर से बाहर निकला है एकदम गर्मा गर्म। इसको खाने से पहले तो मैं 2-3 बार फोटो ही ले लें। और ये क्या है? मेल्टेड बटर। गार्लिक है उसमें या सिर्फ मेल्टेड बटर है? नहीं, बटर। सिर्फ बटर है ना। ये फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड।
ओके रेडी ओके ग्रेट। ये है किंगफिश रेशाट मसाला और ये गोवन स्पेशलिटी है। ओके तो ये प्रॉन्स थाली का प्रिपरेशन है। सारे डिशेस ऑलमोस्ट सेम हैं, सिर्फ ये प्रॉन्स जो है वो अलग है, बाकी सब सेम है। ये है गोवन स्पेशल थाली, दिस इज गोवन स्पेशल थाली विद दी चौनक रवा फ्राई। ओके सो मुझे ये सारे डिशेस के नाम थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। ओके इसमें कोकोनट डाला है, कोकोनट मिल्क डाला है, हाँ जूस निकाल के उसका। ओके और ये गुलाब जामुन किसमूर और ये ड्राई फिश का पत्ता है, इसमें भी प्रॉन्स है, ये ड्राई प्रॉन्स है और ये इसका ये डिश का नाम क्या है किसमूर ये। ओके ओके ड्राई और फ्रेश ये रेडिश है मूला। ओके तीसरे ओके ये क्रैब है, दिस इज गोवन स्पेशल करी। ओके और ये तो फेमस चौनक रवा। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग मेनू है आज का। सबसे पहले चौनक रवा फ्राई से आप इसका फिलिंग देख सकते हो, ये आउटर लेयर देख सकते हो, काफ़ी क्रिस्पी है। एक बात अगर आप नोटिस करोगे, लॉट ऑफ टाइम्स जब रवा फ्राई बना करते हैं तो उसका जो ऊपर का जो बैटर है या जो मसाला है वो काफ़ी थिक हो जाता है। अगर इसमें आप नोटिस करोगे तो ये एकदम थिन लेयर है, इसमें काफ़ी थिन लेयर है, इन्होंने अच्छे से मसाला लगा के उसमें इसको कोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। तो जैसे कि आपने सुना ये दो टाइप के किस्मूर है, ये है ड्राई प्रॉन से बनता है और ये है फ्रेश प्रॉन से बना हुआ। तो सबसे पहले ड्राई प्रॉन से बना हुआ किस्मूर ट्राई करते हैं। कोकोनट ऑब्वियसली इज द बेस फॉर दिस डिश, काफ़ी रिच फ्लेवर आ रहा है कोकोनट के साथ ही साथ इन्होंने अनियंस डाले हैं तो थोड़ा सा स्वीटनेस आ रहा है कोकोनट से और अनियन से भी, और बड़े ही हल्के मसाले इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको शायद इसको रोस्ट करके बनाते हैं। और ये है प्रॉन्स किस्मूर, और ये फ्रेश प्रॉन्स से बना है तो आई कैन गेट द फील ऑफ द फ्रेश प्रॉन्स, दिस इज नाइस। और ये है मूला की सब्जी, सम ग्रीन्स। इसमें दाल भी डाला है इन्होंने तो दाल की वजह से काफ़ी सटल और एकदम सिंपल सा होमली फील आ रहा है। और ये है शेल फिश, इसको क्लैम्स कहते हैं।
यहाँ पे जो है ना सेंटर में ये है क्लैम्स का मीट, यहाँ पे होता है सेंटर में। और ये ड्राइड क्लैम्स का प्रेपरेशन बनाया है उन्होंने, थोड़ा सा राइस टेस्ट करते हैं। और ये है उनकी गोवन स्पेशल करी, ये भिंडी देख सकते हो आप, इन्होंने भिंडी डाली है उसमें। ये प्रॉन्स की करी है क्या? अच्छा, दिस इज प्रॉन्स करी। Wow, it really feels like Goa, man. This curry is superb. खट्टा तीखा taste है और coconut का taste आ रहा है, बहुत अच्छा और strong coconut का flavor आ रहा है। जैसे घर में बनाते हैं ना, ओल्डन डेज में ग्रैंडमा वगैरह बनाते थे, जिस वैसे ही प्रिपरेशन बनाया इन्होंने। बहुत अच्छी है ये करी। इफ यू आर कमिंग हियर, आई वुड स्पेशली रेकमेंड दिस थाली। सारे डिशेस मुझे बहुत पसंद आए, स्पेशली ये किस्मत, ये ड्राई श्रिम्प का जो बनता है, बहुत अच्छा लगा मुझे प्रिपरेशन। ये फ्रेश प्रॉन्स का बना हुआ है प्रेपरेशन है, इससे ज़्यादा मुझे ये बेटर लगा। ये तो सिंपल भाजी का प्रेपरेशन था, जिसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि इन्होंने दाल जो डाली है, उन्होंने मूंग की दाल डाली है शायद, और हाँ कोकोनट भी है इसमें, तो वो थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है कोकोनट डालने के बाद, फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। और ये प्रेपरेशन भी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा किसमुर और ये चौनक और ये करी, ओ इट्स जस्ट ऑसम। अभी ये थोड़ा ट्राई करते हैं क्रैब की करी। मुझे क्रैब से ज़्यादा ये करी पसंद आई, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इफ यू आर अ राइस ईटर, आपको ये एक कप भी कम पड़ जाएगा, आपको शायद 2-3 कप्स मंगाने पड़ेंगे करी के, क्योंकि ये इतनी अच्छी करी बनाई है इन्होंने। ये सोल करी जो है, इसे ट्राई करती हूँ मैं। काफ़ी रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है, आप खाना पूरा इंजॉय करने के बाद इस सोल करी को ट्राई कर सकते हो। बिकॉज आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैंने जस्ट कवर अप करने के लिए वीडियो टेस्ट अभी से बता दिया कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इनका जो प्रिपरेशन रहता है सोल करी का, ये कोई कोई विदाउट कोकोनट मिल्क भी बनाते हैं, और किसी किसी रेस्टोरेंट में आपको विद कोकोनट मिल्क भी इसका प्रिपरेशन मिल जाएगा। सो सिंस ये विद कोकोनट मिल्क है, ये भी काफ़ी अच्छा मज़ेदार टेस्ट दे रहा है। नाउ दिस हेल्प्स इन डाइजेशन, तो जैसे आप अपना मील ख़त्म करते हो, वैसे आप अपना मील एंड कर सकते हो विद दिस रिफ्रेशिंग सोल करी। और ऑफ कोर्स खाना खाने के बाद यू कांट मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, द डिज़र्ट ऑन योर प्लेट। सो उसके बाद हम गुलाब जामुन भी ट्राई करेंगे। तो अब हम ट्राई करेंगे सुरमई फिश को। आप देख सकते हो इनका प्रिपरेशन, सो सुरमई इज़ ऑल्सो नोन एज किंग फिश एंड दिस इज़ द प्रिपरेशन इन द रेशाडो मसाला। सो गोवन जस्ट लव द रेशाडो मसाला एंड दैट्स देयर स्पेशलिटी, एंड टुडे आई एम गोना ट्राई दिस इन द रेशाडो मसाला। यू कैन सी द मसाला,
sweet, sour, tangy, you know, it covers all the flavors. It's actually Ambortik, like the way they say, you know, the Goans love the food which is Ambortik and has a bit of a tangy twist to this. If you're not doing this, truly you're not an Indian, because I'm sure it's just when you love your food, you would be enjoying it and, you know, you would be finishing it by almost licking your fingers. And I'm really enjoying this food, yeah. ये है तंदूरी प्रॉन्स विद सैलेड. पूरा प्रिपरेशन तो आपने देख लिया है, इसको जूम करके मैं थोड़ा वीडियो दिखा दूं. ये कितना ब्यूटीफुल प्रिपरेशन बना के रखा है सामने. Prawns are so fresh. पता है गोवा में ये सबसे खास बात है, आप गोवा में आते हो तो आपको fresh सी फूड मिलेगा, no doubt. And this is one of the best prawns. The मसाला इसका बहुत अच्छे से मैरिनेट किया है इन्होंने, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए रखा था, मैंने देखा इनका प्रेपरेशन किचन में, लेकिन वो मसाला बहुत अच्छे से prawns में कोट हो चुका है और उसको अच्छे से, you know, सिंस उसको तंदूर में बनाया गया है तो मैरिनेशन बहुत, उसका मिक्सचर जो है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार है. ये मिंट चटनी के साथ इन्होंने सर्व किया है. एक्चुअली यू नो व्हाट, यू कैन जस्ट इग्नोर द मिंट चटनी, क्योंकि ये मसाला ही इतने मज़ेदार तरीके से बनाया है कि आप इसको ही आराम से इंजॉय कर सकते हो. तो गोवा में आते हो और यहाँ पे ब्लू मून क्लासिक रेस्टोरेंट में अगर आप आते हो तो ये खाना तो बनता ही है. सो आई एम एंजॉयिंग दी तंदूरी प्रॉन्स नाउ एंड आई सी. चिकन थाई फाई रेडी, तो इस प्रिपरेशन को ट्राई करते हैं अभी. बहुत गर्म है, चिकन बहुत ही सॉफ्ट है. अक्सर हम जब इस तरह का प्रिपरेशन कहीं पे खाते हो तो चिकन जो है ना थोड़ा टेंडर नहीं होता है और थोड़ा चूमी होता है, ये जो है ना एकदम परफेक्टली कुक चिकन है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है. Yummy. तो गाइज ये यहाँ का एड्रेस है और ये बिजनेस कार्ड और यहाँ पे लिखा है कानका बेरला मापुसा. तो ये जो एड्रेस है ये नज़दीक गिरता है, ये जो ब्रांच हमने जहाँ पे यहाँ इंजॉय किया हमारा लंच, तो ये एड्रेस काफ़ी नज़दीक है कलंगुट से. इनका और एक ब्रांच है तो इस तरफ आप देख सकते हो, इनका सेकंड ब्रांच है कॉर्जियम में, केबल ब्रिज के पास है वो अल्डोना. तो वहाँ पे भी सेम वैरायटी ऑफ फिशेस वगैरह, जो भी मील आप खाना चाहते हो सेम वैरायटी वहाँ पे भी मिल जाएगी, तो वो आप इंजॉय कर सकते हो. नंबर्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे पहुँचने में कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू. सो ये ऊपर की तरफ का सीटिंग अरेंजमेंट है, पूरा ग्रीनरी आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखेगा यहाँ पे आपको, आप आराम से यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हो. यहाँ पे अगर ग्रुप में आते हैं लोग तो
वो भी सीटिंग अरेंजमेंट है ना यहाँ पे, 15-20 लोग के पूरा ग्रुप अगर आ जाए तो 40 लोगों का। ओके वाह, 40 लोग यहाँ पे आराम से आके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, तो शायद उस सेलिब्रेशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं, फंक्शन होता है यहाँ पे। ओके, तो पार्टीज और फंक्शंस के वो अलग चार्जेस लगते हैं? नहीं, सेम प्राइस है, वो प्राइस जो भी प्राइस है वही सेम रहता है। अच्छा, टीवी भी है वहाँ पे। और ये रोड कहाँ पे कनेक्ट होता है? अंजुना को कनेक्ट होता है। अच्छा, और इस तरफ क्या आया? इस तरफ मापसा है। मापसा इस तरफ, तरफ। अच्छा, इस तरफ अंजुना है। अच्छा, ओके, और आपका नाम? मेरा नाम गुरु है। गुरु, ऑल राइट गुरु, थैंक यू सो मच।